प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में निर्मित किए जाने वाले मातृ एवं शिशु खंड की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोलन में उपायुक्त राकेश कंवर ने शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में निर्मित होने वाले इस खंड के निर्माण पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे तथा इससे गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को एक ही स्थान पर संपूर्ण उपचार सुलभ होगा। इस मौके पर उपायुक्त राकेश कंवर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में एक और सुविधा प्रदेशवासियों को जल्द मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि इससे गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और स्वास्थ्य सेवाओं में ये मील पत्थर साबित होगा। अभी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत में केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा संयुक्त रूप से यहां पर सोलन में बनने वाले एमसीएच सेंटर का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है, जो कि 10 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और इसमें 50 बिस्तरों की व्यवस्था होगी। इसके बनने से गर्भवती महिलाओं को और नए बच्चों को जो पैदा होते हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छे तरीके से उनका देखभाल की जा सकेगी और एमसीएच सेंटर बनने से जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं महिलाओं की और बच्चों की, उनके ऊपर और अच्छी सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग दे पाएगा। इसके लिए प्रदेशवासियों को और सभी सोलन जिला के निवासियों को हम बधाई देते हैं। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉक्टर आर के धरोज, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर महेश गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। एच टुडे के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट।